गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम कल देखे थे यहाँ पर चैप्टर वन स्पेसेस एंड सेप्स, जिसमें देखे थे नियर एंड फेदर, ठीक है। उसके बाद देखे थे हम यहाँ पर टॉप एंड बॉटम। उसके बाद आज हम देखेंगे इनसाइड आउटसाइड। तो देखिए इनसाइड मींस होता है अंदर और आउटसाइड मींस होता है बाहर। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में जो ये बॉय है वो घर के अंदर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और ये जो गर्ल है वो घर के बाहर क्या कर रही है, खेल रही है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, द बॉय इज़ स्टडिंग इनसाइड द हाउस, मतलब जो लड़का है वो जो है घर के अंदर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, द गर्ल इज़ प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, तो गर्ल जो है घर के बाहर क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंदर जो वर्क हो रहा है उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, इनसाइड, है ना, और जो घर के बाहर जो हो रही है उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर को देखिए, ये बॉक्स में क्या रखा हुआ है, जूता रखा हुआ है, शूज़, है ना, ये जो शूज़ है वो बॉक्स के क्या है, अंदर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इनसाइड, ठीक है। तो द शूज आर इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर कैज जो है, कैज के बाहर क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो बाहर है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड, द बर्ड इज़ आउटसाइड द कैज, ठीक है। उसके बाद थ्री नंबर दिया है, टिक द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स, क्रॉस द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द बॉक्स। यहाँ पर देखिए बॉक्स है जिसमें कुछ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो है इस बॉक्स के अंदर है और कुछ चीज़ें जो है बॉक्स के बाहर है। तो यहाँ पर हमको जो बॉक्स के अंदर है उसके लिए उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का नाम दिया है, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेज़र, ठीक है। उसमें हम जो बाहर है उसके लिए, जो अंदर में है उसके लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, इस जो सर्कल है उसमें टिक करेंगे और जो बाहर है उसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में पेंसिल जो है कहाँ है, बॉक्स के अंदर है या बाहर है, तो पेंसिल जो है बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। शॉर्पनर भी क्या है, अंदर है, तो यहाँ पर हम इनसाइड है तो इनसाइड में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इरेज़र, इरेज़र भी क्या है, बॉक्स के अंदर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद दिया है ब्लू पेन, ब्लू पेन क्या है, ये ब्लू पेन है ना, ब्लू पेन भी बॉक्स के अंदर है इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे, और रूलर जो है बॉक्स के बाहर है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये आउटसाइड में है ना। उसके बाद है नेवी ब्लू पेन, नेवी ब्लू पेन क्या है, बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड में है, तो आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पलटिए, पेज नंबर 4, देखिए यहाँ पर एबो, एबो बिलो एंड ऑन। तो यहाँ पर एबो मीन्स होता है ऊपर और बिलो मीन्स होता है नीचे और ऑन मतलब होता है पर, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर में क्या है, बेड है, बेड में ये रूम दिया है, ठीक है, बेडरूम है, ये बेडरूम में बेड है ना, बेड के ऊपर कुछ चीज़ें लगी हुई है और बेड के नीचे में भी कुछ चीज़ रखी हुई है, बेड में और बेड में भी कुछ, बेड पर है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए दिस इज़ नीसाज बेडरूम, यह नीसा की बेडरूम है, द लाइट इज़ एबो द बेड, है ना, लाइट जो है बेड के क्या है, ऊपर है, देखिए इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, एबो, एबो, एबो मीन्स होता है ऊपर, तो द लाइट इज़ एबो द बेड। उसके बाद है द मैट इज़ बिलो द बेड, मैट है ना, मैट मीन्स होता है चटाई और बिलो मीन्स होता है नीचे, तो चटाई जो है बेड के क्या है, नीचे है। उसके बाद है द टेडी इज़ ऑन द बेड, ये टेडी है ना, टेडी जो है कहाँ रखा हुआ है, बेड में, तो जिस उसके ऊपर में रखा हुआ है, यहाँ पर बेड में ही रखा हुआ है इसलिए उसको यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ऑन, तो द टेडी इज़ ऑन द बेड। उसके बाद देखिए नीचे में लुकिंग
एट द एबो पिक्चर केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाई फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको इस पिक्चर को ध्यान से क्या करना है, देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस खाली स्थान में भर करके आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, इन वर्डों को खाली स्थानों में, रिक्त स्थान में क्या करना है, फिलअप करना है और इसका आंसर आपको देना है इस पिक्चर को देख करके। तो देखिए, द पिलो इज, है ना, द पिलो इज, है ना, फिल इन द ब्लैंक द बेड। तो पिलो जो है कहाँ है, बेड पर है, है ना, तो बेड पर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। ठीक है, ओ एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर है द स्लीपर आर, स्लीपर कहाँ पर है, स्लीपर जो है बेड के नीचे है तो नीचे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिलो। ठीक है, बिलो मीन्स क्या होता है, नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलो। उसके बाद थर्ड नंबर है द बी इज, बी है ना, जो मधुमक्खी है वो कहाँ उड़ रही है, बेड के ऊपर, है ना, तो ऊपर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एबो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एबो। उसके बाद नेक्स्ट है द टेडी इज फिल इन द ब्लैंक द लाइट, है ना, तो यहाँ पर जो टेडी है वो जो है लाइट के कहाँ पर है, नीचे में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिलो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी बुक में क्या करना है, फिलअप करना है और मुझे अपनी पर्सनल नंबर पर क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।